सुनवाई थी, सुनवाई में क्या पूछा है, किस तरह का फैसला है? आज खाली किसको आप रिप्रेजेंट कर रहे थे? हम लोग दीपेश सावंत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज जजमेंट था, सब बेल एप्लीकेशन 29 तारीख को आर्ग्यू होके आज जजमेंट प्रोनाउंसमेंट के लिए रखा है। कोर्ट ने दो अक्यूज की बेल रिजेक्ट की है और तीन लोगों को बेल ग्रांट कर दी है, जिसमें रिया, दीपेश और सैम्यूल है, उनको बेल अलाउ हो गई है विद कंडीशंस। और दो लोग है जिनकी रिजेक्ट कर दी है, वो शोविक है और एक जैद विस्तार करके, उन दो लोगों की बेल अब्दुल बासित, उनकी दो लोगों की बेल रिजेक्ट कर दी गई है। एजी ने उसके ऊपर स्टे मांगा है, पर कोर्ट ने एक एडिशनल कंडीशन दे के 10 दिन तक के हमें पुलिस स्टेशन अटेंड करना पड़ेगा, वो कंडीशन लगा के स्टे रिजेक्ट कर दिया है एजी का ये मैटर में। और कोर्ट ने ये भी हेल्ड कर दिया है कि जितने एनडीपीएस के सेक्शंस हैं वो सारे नॉन अवेलेबल है। अब पूरा रीजनिंग जजमेंट आएगा, उसके बाद ही एनालाइज करके बता सकते हैं, पर फिलहाल तीन आरोपियों को बिल दे दी। सर, आपने जिस तरह जजमेंट भी सुना होगा, जो दो एक्यूज हैं, बात करें शोविक की, बात करें विशेष पर, उनको रिजेक्ट कर दिया गया, आप सुनिए तो क्या आधार, क्या कोर्ट ने कहा? कोर्ट ने आधार तो नहीं दिया, क्योंकि वो तो रीजनिंग देखनी पड़ेगी कि क्या कारणों से उनकी बेल रिजेक्ट हुई है। पर कोर्ट ने डिफ्रेंशिएट कर दिया, पांच में से तीन लोगों को अलग कर दिया है, दो लोगों को अलग किया है। हमारा ऐसा मानना है कि शायद कोर्ट ने उसमें फाइनेंसिंग वाला 27A का सेक्शन होल्ड किया होगा, वो हिसाब से। बाकी तो जजमेंट आएगा तो ही पता पड़ पाएगा कि क्या रीजनिंग के ऊपर रिजेक्ट किया गया। तीनों आरोपियों को 50,000 की जमानत पे छोड़ा है विद वन और टू श्योरिटीज के लिए। हमने रिक्वेस्ट किया कि पैंडेमिक सिचुएशन है तो कैश बेल के लिए ये करिए। एजी ने कोर्ट के ऊपर छोड़ा, कोर्ट ने हमें 4 हफ्ते का टाइम दिया और कैश बेल डिपॉजिट पर हमारे ऊपर कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट लगाई गई है। हमें पासपोर्ट जमा करना है, तीनों आरोपी को पासपोर्ट जमा करना है, तीनों को हाजिरी देनी है पुलिस स्टेशन में, और उनको मुंबई के बाहर जाना होगा तो एप्लीकेशन करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन आयोग। कहीं ना कहीं लंबी लड़ाई थी, लगभग आप देख रहे हैं केस की सुनवाई के बाद जैसे एनसीबी ने कार्रवाई की, लगभग एक महीना बीत गया जज जेल, तो कहीं ना कहीं बड़ी जीत आप लोग के लिए कह सकते हैं आपके? जब आरोपी को बेल मिल गया तो ये सबसे बड़ी जीती हो गई है, पर उस जजमेंट को भी देखना पड़ेगा क्या कारणों से और क्या कोर्ट ने हेल्ड किया हमारे फेवर में, वो जजमेंट आने पे ही पता चल पाएगा। उन्होंने दीपेश सावंत के पास से कुछ भी मिला नहीं, ना ही कभी एनसीबी का केस है कि उनसे कुछ मिला है। उनके कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर वो रिलाय कर रहे हैं कि जैसे उनका केस ही ये था कि जब भी कोई पार्सल आता था तो दीपेश सावंत को बोला जाता था कि बिल्डिंग के नीचे से कलेक्ट कर लो, कोई बाकी वो बट वैसे वो जिसके पास काम करते थे उनके वहीं से उनको इंस्ट्रक्शंस पे वो कलेक्ट करते थे। हमारा केस पहले से भी ये रहा है कि ना हम परचेसर है, ना सेलर है, ना हमारा किसी चीज़ से फाइनेंस से भी कोई लेना देना है। आई एम जस्ट एम्प्लॉई हूँ मैं, और जो उनके कमांड में आता था वो काम करते थे, उससे ज़्यादा उनका कोई रोल भी नहीं था उसमें।